गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 18 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक, विषय गीता पाठ संस्कृत, अध्याय एक श्लोक नंबर 42 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड को देखें और इसको समझें, पवित्र भाव से इसको पढ़ें, क्योंकि गीता पाठ ये साधारण विषय नहीं है। गीता पाठ को पवित्र मन से, शांति मन से पढ़ना चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि इसको आप पढ़िए, आप भी पढ़िए और आप अपने समस्त परिवार को भी सुनाइए। यह आपको भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। भगवान ही जो है उत्तम रास्ता बतलाते हैं, सही मार्ग बतलाते हैं, सही रास्ते पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसलिए गीता पाठ को मनन करें, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। अब मैं इस श्लोक को पढ़ने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनिए। और इस जो प्रसंग है, यह अध्याय एक श्लोक नंबर 42 जिसमें कि संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है, आप लोग इसको पवित्र भाव से और भाव मन से, अच्छे भाव से इसको पढ़िए। शंकरो नरकायव कुलघानाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। एक बार और पढ़ें। शंकरो नरकायव कल कुलघानाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस प्रकार से बच्चों यह श्लोक हुआ और इसका अर्थ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे मुरारी, वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल यानी वंश को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष शोक, व्यथा, मोह आदि से व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि गीता यह जो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनके हृदय में मोह व्यथा शोक व्याप्त है। वे अपने ही बांधवों के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण से वे बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, क्योंकि युद्ध यदि करेंगे तो उसमें अपने ही बांधव को मार कर यदि मैं विजयी भी हो जाऊँगा तो कोई लाभ नहीं होगा। या भगवान श्री कृष्ण के समक्ष
एक ओर अर्जुन अपनी कायरता की ओर आकृष्ट करते हैं, लेकिन आगे जाकर देखिएगा भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाएंगे कि युद्ध करना अनिवार्य है। युद्ध करने के बाद ही विजय और पराजय की जो नींव डाली जाती है। इस प्रकार से बच्चों, आप लोग गीता पाठ को पवित्र मन से, शांति मन से पढ़िए। आप लोग बोलने में सकुचाते हैं, जब आपको दो शब्द बोलने के लिए कहा जाता है तो आप लोग नहीं बोलते हैं, सकुचाते हैं। संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आप अच्छी बात बोलना है तो आप खुले दिल से बोलिए, क्योंकि अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण की के बारे में आप बोल रहे हैं और यह भगवान की कृपा यदि होगी तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी काम आप सोचिएगा, उसमें आपकी सफलता होगी। आप जो है भगवान पर भरोसा रखिए। इस प्रकार से आज आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और आगे भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल होगा, हम भगवान से कामना करते हैं। आप लोग मेहनत करके पढ़ें, माता पिता का आज्ञा का पालन करें, बड़ों का आज्ञा का पालन करें। यही है, आपको पढ़ाई के साथ साथ यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग अवश्य ही मेरी बात को समझेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।